हमारा झुंझुनू का डीजे भी डांस करते हुए चल रहा है, तो सभी साथियों से अनुरोध है, भारत माता की जितने भी युवा हैं, इनसे अनुरोध है कि वो तीनों अतिथि सम्मानित अपने उन शहीदों के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भाई विकास जाखड़ मुख्य अतिथि, श्रीमान अजय जी हुड्डा, श्रीमान विनोद जी गादली, आप तीनों से निवेदन रहेगा कि आप जो ये राजस्थान का अद्वितीय पारक है वीर वसुंधरा और अमर आप ये मोबाइल वाले साथियों से पुनः निवेदन है, सिर्फ आपके 5-4 लोगों से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था भगो रही है, सिर्फ आपके 4-5 लोगों से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था भगो रही है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ संदीप जी मान जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं स्टेज पर आ कीजिए। एक मिनट, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताना चाहूंगा, इन यूट्यूबर्स के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो अपने साथ नहीं है। ये हमारी आवाज जन जन तक पहुंचाते हैं, ना कि वो नेशनल टीवी जो बिके हुए हैं। तो इनके लिए थोड़ी जगह पक्का होनी चाहिए हमारे दिलों में भी और यहाँ भी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, प्लीज इन्हें कोऑपरेट कीजिए, धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि अजय हुड्डा जी का मानार्पण करने के लिए श्रीमान संदीप जी मान विनोद जी गादड़ी का मानार्पण करने के लिए कमांडो अनिल जी धन्यवाद। और झुंझुनू की आवाज शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का माल्यार्पण करने के लिए एक्स इंस्पेक्टर CRPF दयानंद जी यादव सौरी, जो हरियाणा बॉर्डर से आए हैं, इनके गुरु भी रहे हुए होंगे, श्रीमान दयानंद जी यादव CRPF के एक्स रिटायर्ड इंस्पेक्टर दयानंद जी यादव, श्रीमान उमेश जी कृष्णिया, विकास जी जाखड़, अजय जी हुड्डा और विनोद जी गादड़ी तीनों का माल्यार्पण करेंगे, उमेश जी कृष्णिया और माला दो भी। अभी मैं भाई आशीष विपिन और अमित की आवाज के लिए
दुकान भरी थी और सरकार को घुटनों के बल ला करके टेक दिया था। और इनकी मांग है कि इस कार्यक्रम की सारी जो जांच है वो सीबीआई से हो। हमारे झुंझुनू के आशीष, विपिन और अमित, इन तीनों भाइयों ने अपने हाथ से विकास जी डॉक्टर की पेंटिंग बनाई है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हैंडमेड बार अपने भूसंडों की ताकत से और अपने कृतल धावनी की आवाज से इस सदन को गुंजायमान करो ताकि सरकार तक इस आपकी बात पहुंचे। एक बार जोरदार जोरदार कृतल धावनी से, तालियों की गड़गड़ाहट से आपके तमाम मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिवादन करते हुए पुनः उस भारत माता के जय घोष के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब, भाई विकास जाखड़, भाई विकास जाखड़, विनोद गादली, अजय हुड्डा। और एक बार पुनः धन्यवाद और सभी मंचासीन अतिथियों, आप साथी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, आपके असीम स्नेह से सब गदगद हैं, आपके जोश जुनून को भी सलाम करते हुए एक बार आप सभी अपने जाजम पर बैठकर यथा स्थान ग्रहण कर ले ताकि कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से और बहुत सारगर्भिता के साथ चलाया जा सके। और अतिथियों को भी मैं ये निवेदन करूं कि ये झुंझुनू की पावन धरा है सर, यहाँ पर आपके बीच आ बैठे हैं उस व्यक्ति को मंच पर बुलाऊं उससे पूर्व, क्योंकि आपका जो ध्वज थामा है वो एक ऐसे सैनिक रूपरेखा के लिए, भाई विकास जाखड़, विकास जाखड़, शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपकी ओर से, शहीदों की भूमि झुंझुनू की ओर से, हरियाणा गीतकार हमारे भाई विनोद गांधी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अजय जी यहां पर बुलाने से नहीं आए, ये खुद चल के आए। इस भूमि से इनका पहले से ही लगाव रहा है, ये तीन चार बार आराम से, मुझे पता है यहाँ के युवाओं का जोश, क्योंकि मेरी जाट रेजिमेंट रही है और जाट रेजिमेंट में अकेले 30% यहाँ के फौजी थे मेरे साथ, तो मुझे पता है आप लोगों के जोश का। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सभी को दिल से राम राम, राम राम सर। देखिए, मैंने 8 तारीख को विकास जी की वीडियो देखी, उसके बाद मैंने सारी वीडियो सर्च की, आप लोगों की भी, सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ, इन्होंने अपने अपने चैनल पे जो भी डाला था, तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे लगे वो वीडियोस देखने में, मैंने सारी वीडियोस देखी, तब जाके मुझे ये सारी चीज समझ में आई। और जब मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि ये आंदोलन अकेले विकास जाखड़ का नहीं है, ये आंदोलन अकेले झुंझुनू का नहीं है, ये पूरे राजस्थान का आंदोलन है। जो इंसान अपनी नौकरी छोड़कर, एक सिपाही की नौकरी भी मिलना मुश्किल होता है ना, आप सबको पता है, और एक अफसर की नौकरी छोड़ के आना, वो भी आप लोगों के लिए और आपके हक की लड़ाई लड़ना, और इतने शांत है विकास जी, कसम से, मतलब मुझे ये लगता है कई बार कि ये कितनी देर में बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं,
ठंडा नहीं कहूंगा, ये बोलते ठंडे जरूर हैं, लेकिन जो इनके विचार हैं वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हैं। और मैं इन राजनीति वाले तभी एक बात कहना चाहूंगा, कती हरियाणवी में इन्हें सरकारी नौकरी दे दो ना तो सरकारी दूल्हे कितने लाओगे। ये आपके हक की लड़ाई है। जो सरकार है यूपी में, अगर किसी मंत्री की बहस खुल जाए तो सीबीआई जांच हो जाए। हरियाणा में कोई मंत्री मुख्यमंत्री कुछ कर दे उसने 10 साल की जेल हो जाए, राजस्थान में क्यों नहीं? हमें जागना पड़ेगा यहां से, यहां से। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें पता होना चाहिए हमारे हक क्या हैं। ये जो हकों की लड़ाई है ना, ये यहां तक सीमित के नहीं रहनी चाहिए। 14 तारीख को पूरे राजस्थान का युवा, आपसे कहना चाहूंगा जितने भी यूट्यूबर, पूरे राजस्थान का युवा वहां इकट्ठा होना चाहिए। क्यों? ये गवर्नमेंट की मध्यस्थता के बगैर कोई पेपर लीक नहीं हो सकता, मानते हैं? रावण के घर भी राम जी जब जा पाए थे जब विभीषण था वहां पे, इस सरकार के अंदर है। बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़ लिख पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। और फिर ये जो सरकार है ये हमसे फॉर्म भरने के अलग अलग पैसे लेती है। ये सच कह रहा है, एक दिहाड़ीदार माँ बाप 1000 रुपए कितनी मुश्किल से लाता होगा। ये नहीं सोचते हैं। और लोग कहते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इतने परिवारों के सपने टूटे हैं, कितने परिवारों के सपने टूटे हैं। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए और होके रहेगी। हम इतने कमजोर नहीं हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ ना, पहले दिन जब हम दिल्ली की तरफ चले, डिग्री बॉर्डर की तरफ, हम इससे आधी संख्या में थे। सच बताता हूं, हम इससे आधी संख्या में थे जब हम रोहतक से निकले डिग्री बॉर्डर के लिए। हेलो, तो हम इससे आधी संख्या में थे, आप तो बहुत ज्यादा है। ये काफिला बढ़ता जाना चाहिए। जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान की जीत हुई है, इसी तरह युवाओं की जीत होनी चाहिए। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब इस लड़ाई में, ये लड़ाई अकेले विकास जाखिड़ की नहीं है, ये लड़ाई आप सब की है, आप सबके परिवारों की, आप सबके परिवारों के सपनों की, आप लोगों के माँ बाप की है, आने वाली नस्लों की है। ये लड़ाई अकेले आपकी नहीं है। उम्मीद करता हूं इस लड़ाई में पूरा राजस्थान विकास जाखिड़ के साथ नहीं, इन युवाओं के साथ चाहिए मुझे। और मैं इस मंच पर आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं किसी के बुलावे में नहीं आया, ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। क्योंकि हरियाणा में लोग कहते थे शायद कांग्रेस ही होगा, वहां बीजेपी की सरकार है, यहां तो कांग्रेस है। मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं है, मैं तन से मन से और धन से आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं। आप एक आवाज देना, एक बुलावे की जरूरत महसूस नहीं करूंगा। जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी का मूड है मेरा थोड़ा।